अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग ये एंजल विंग्स एनिमेशन बनाना सीखेंगे। एक तो ये जो विंग्स का एनिमेशन का तरीका है, ये तकरीबन हर किस्म के चीज़ के ऊपर जो क्लास पार है उसको अप्लाई कर सकते हो, और बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। तो इसलिए आप हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये इमेज डाउनलोड करनी है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, ठीक है। ये इमेज ये वाला ज़्यादा सही इसलिए कि एक तो पार्ट की शेप सही है, दूसरी चीज़ ये है कि ये टेक्सचर के तौर पर भी काम खुद कर सकेगी, इमेज दोनों पर्पसेज के लिए काम कर देगी। तो ये इमेज डाउनलोड कर लें, उसके बाद फिर इंकस्केप डाउनलोड कर लें। ये फ्री सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इलस्ट्रेटर की तरह है। एसवीजी फाइल से क्रिएट होती है, अपने दूसरे प्रोजेक्ट में भी देख चुके होंगे, इसके लिए भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। तो ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें, बहुत सिंपल सा तरीके से डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। और फिर ये मेल बेस्ड मैच डाउनलोड कर लें, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है तीनों चीज़ों का। तो मेल बेस्ड मैच इतनी जरूरी नहीं है, आप कितनी मर्जी आप करना चाहते हैं, ठीक है। बेसिकली आइडिया तो यही है कि आपको ऊपर एडमिट करना आ जाए। तो इमेज डाउनलोड करने के बाद फिर हम लोग इंकस्केप में चलते हैं, ठीक। सबसे पहले फाइल इंपोर्ट, मैंने यहाँ पे ये विंस्ली पार्ट रखा है, इसे इंपोर्ट कर लें इमेज को। इंपोर्ट करने के बाद पाथ ट्रेस बिट मैप और ओके कर दें। तो ये देखिए इसने ये अब इसे ट्रेस कर लिया, इसे अब डिलीट करने इसकी मैं अभी जरूरत नहीं है। तो ये अभी जैसे ट्रेस किया है, अभी ये वेक्टर है, ठीक। इसकी जैसे हम लोग एसवीजी फाइल का यूज भी कर सकते हैं। तो इसे इस इसके बाद हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, फाइल सेव एज कर दें। और डॉट एस वी डी एक्सटेंशन के साथ कोई सा भी नाम देख के उसे पता है, मैंने पहले विंग्स के नाम से सेव की भी है तो मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं सेव कर रहा हूँ, ठीक है। इसे सेव करने के बाद फिर हम लोग ब्लेंडर में जाएंगे अब, ठीक। तो डिफॉल्ट की को मैं डिलीट कर रहा हूँ अभी, ठीक। और उसके बाद फाइल इम्पोर्ट डॉट एस वी जी, मैंने डेस्कटॉप पर सेव की थी, आपने विंग्स के नाम से मैंने सेव की, ठीक। तो अब ये इम्पोर्ट हो गया, तो 7 से टॉप व्यू पे चले जाएं, सेलेक्ट करें, फिर टैब दबाकर एडिट मोड में चले जाएं, ए से सेलेक्ट ऑल करें। और ये देखें इसका ओरिजिन है, ठीक। तो पर अभी ओरिजिन से काफी डाइवर्ट हुए, तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो ओरिजिन है पर बिल्कुल दरमियान में हो, यहाँ पे या इस तरह से सीधा। तो मैं इसे यहाँ पर मूव करता हूँ जी वाई से नीचे की तरफ, जी एक्स से साइड की तरफ, ठीक। अब डिसलेक्ट ऑल करें, बी से बॉक्स सेलेक्ट करके एक बार से सिलेक्ट हम लोग करेंगे भी, और उसे वो चीज डिलीट कर दें। क्रीप जाएंगे भी थोड़ी सी है, इन्हें भी डिलीट करना है, एक से डिलीट कर सी। और इतना फासला तकरीबन काफी ठीक रहेगा इसके लिए, एक बार के लिए। इस बार को सिलेक्ट किए हुए क्लिक करें ऑब्जेक्ट कन्वर्ट टू मैश फ्रॉम कर्व, तो अब ये एक मैश बन गई है, ठीक। तो इसके ऊपर अब हम लोग एक मिरर मॉडिफायर अप्लाई करेंगे, ठीक। इतना फासला काफी सही रहेगा परों के लिए। और फिर टैब दबाकर एडिट मोड में चल जाए, सिलेक्ट ऑल पर से करें और फिर एफ दबाएं, ठीक। तो अब ये कम्प्लीटली फिल्ड अप भी हो गए हैं, ठीक। इसका मटेरियल हम लोग रिमूव कर देते हैं, हमें एसवीजी वाला नहीं चाहिए, तो हम लोग न्यू मटेरियल क्रिएट करेंगे, ठीक। और वो होगा एक मिशन मटेरियल, स्ट्रेंथ 1 ही ठीक है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ शेडिंग्स की थोड़ी डीप रहती है, और ब्लूम को ऑन कर लें, और फिर इसे आर एक्स 90 दबा के उसका ऊपर लें, ठीक। फिर हम लोग स्क्रीन को स्प्लिट करते हैं, और फिर यूवी एडिटर में चले जाएं, इसे और यहाँ पे आप शेड एडिटर चले जाएं अभी के लिए, एंड माय शिफ्ट ए आई एम ए जी इमेज टेक्सचर, इसे इसके साथ प्लग इन कर दें, ओपन करें। डेस्कटॉप के ऊपर मैंने फोविंग क्लिक आप रखी हुई थी, तो वो इमेज में यूज करना चाह रहा हूँ। और फिर वापस 3D व्यू पर चले जाते हैं हम लोग, टैब दबाएं, ठीक। तो देखें इमेज थोड़ा थोड़ा लोड हो गया, तो फ्रंट व्यू पर जाता हूँ और फिर से यू को क्लिक करें, ठीक है। और प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू को क्लिक सेलेक्ट करें, तो ये देखें उस शेप में आ गया है। अब यहाँ पे इसे सेलेक्ट ऑल करें और इसे स्केल कर दें, और इसे स्ट्रक्चर के ऊपर प्लेस कर दें, ठीक।
फोन उसकी सीट के साथ बराबर सा, ठीक ना, सही रहा काफी। और उसके बाद मैं इसे क्लोज करता हूँ, इसे एक मिनट कंटेंट व्यू में जाकर देखते हैं, तो ये देखें सर ठीक ही लग रहा है इस तरह ना। तो उसके बाद हम लोग वापस सॉलिड मोड में चल जाते हैं, और अब हम लोग इसकी जो एनिमेशन है वो क्रिएट करेंगे। तो एनिमेशन क्रिएट करने का तरीका ये है कि सबसे पहले वेट पेंट मोड में चले जाएं, ठीक, और जो ये वाला ऑप्शन है ग्रेडियंट वाला, ये सिलेक्ट करें, और फिर ऊपर की ऊपर वाली साइड से, ठीक है, मान बाकी साइड फ्रंट भी बैठे, पर ये ऊपर वाली साइड है यहाँ पे साइड पर क्लिक करें और इसे यू मूव करते जाएं, तो ये देखें वो ग्रेडियंटली वेट पेंट करता जा रहा है, ठीक। अब उसका फायदा ये होगा कि जो हम लोग नेक्स्ट स्टेप करेंगे उसका अफेक्ट जो है इस साइड जितना रेड है उस साइड पे ज्यादा आएगा, जितना कम कलर होता जाएगा उस पर कम होता जाएगा, और जो डार्क कलर था थोड़ा सा अपने छोड़ने देना देना, बिल्कुल एंड तक नहीं लेके जाना अपने वेट पेंटिंग, ठीक। ऑब्जेक्ट में वापस चल जाए, ठीक, और अभी बिल्कुल फ्लैट है, तो हम लोग चाहते हैं कि थोड़ी थिकनेस थिकनेस मिले, जो कोड मॉडिफायर अप्लाई करेंगे वो है सॉलिडिफाई मॉडिफायर, ठीक। अभी बहुत ज्यादा मोटे हो गए, इतने मोटा हम लोग चाहते, तो 0.01 इस तरह कर दें, आई थिंक हाँ इतने काफ़ी है थिकनेस। और इसके बाद एक और मॉडिफायर हम अप्लाई करेंगे जो एनिमेशन देगा, वो है वेव मॉडिफायर, ठीक। उसकी जो हाइट है वो 0.1 ही ठीक है, और जो वर्टेक्स ग्रुप है जो हमने पहले वो वेट पेंटिंग की थी वाला ग्रुप साइन कर दिया से, तो अभी जब से प्ले करूंगा तो ये देखिए ऑटोमेटिकली विंग्स पर आ रहे हैं। हाइट आई थिंक 0.5 ही ठीक थी, जो स्पीड थी वो असल में 0.1 करनी थी, सॉरी 0.1 0.2, अभी अभी 0.1, इसमें क्योंकि एफ पी एस स्लो है इस वजह से इसका फील हो रही है, वरना असल में वो उस का ठीक। तो ये जिस तरीका है आप किसी भी कोई परिंदा हो या उसके ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसके बाद आप जो करेक्टर है उसके ऊपर काम करते हैं और इन्वायरमेंट के ऊपर, तो ये ठीक आप किसी परिंदे वगैरह किसी उस के मॉडल के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो जेनेरिक सा ठीक है, ठीक। तो जो मॉडल है उसको भी अपने करना है फल साथ, तो उसके लिए फाइल इम्पोर्ट डॉट ओ बी जे, मैंने डेस्कटॉप पर रखा हुआ अपना कहीं और होगा, तो उसे काफी लो पॉली करके रख लिया था, तो इसमें से मैं स्केल कर देता हूँ क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ बेसिक मटेरियल आएगा, सी एम उसकी वजह से भी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। बुक्स को मैं स्केल करके थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, साइड ऊपर चल जाते हैं, जी जेड से बुक्स ऊपर मूव कर लिया, जी वाई से थोड़ा पीछे में मूव कर दिया, ठीक। आई थिंक विंग्स की जो हाइट है वो थोड़ी कम ही कर लेते हैं, 0.3 तक शायद ठीक रहेगा, और फिर इसका जो मटेरियल है वो बहुत सिंपल सा है, ठीक। उसे भी चेंज कर दें, इमिशन में स्ट्रेंथ लेकिन इसकी 5 होगी, शेड राइटर में चल जाते हैं, ठीक, और नॉइज टेक्सचर और एक यू सैचुरेशन नोड ले आते हैं, सैचुरेशन फुल कर दें 2 के ऊपर, कलर्स के साथ कलर पैकिंग कर दें, और ये कलर इसके साथ प्लग इन कर दें, और शिफ्ट ए एम्प्टी प्लेन एक्सिस बुला लेते हैं, और फिर वापस शेड एडिटर में चल जाएंगे और जो फाइनल बेस में है उसकी, और फिर मैपिंग नोड लगा दें साथ, और टेक्सचर कोऑर्डिनेट नोड लगा दें ऑब्जेक्ट्स के वेक्टर के साथ, और एम्प्टी के साथ लग इन करें, सही होगा जब वो मूव करेगा तो उसका जो है वो चेंज होता रहेगा। तो अब हम दोनों को पेरेंट कर देते हैं, मैश को सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक। उसके बाद शिफ्ट दबा के विंग्स को सिलेक्ट कर दिया, और फिर कंट्रोल पी टू ऑब्जेक्ट कर दिया, जहाँ पे भी मतलब एक विंग्स जाएगा तो दूसरा उसके साथ, तो जहाँ पे भी विंग्स जाएंगे उसके साथ जो है करेक्टर भी ज्यादा जाएगा, और क्योंकि हमने इसका जो है करेक्टर को अजीब और दिया हुआ है, तो हम लोग वर्ल्ड को ब्लैक कर देते हैं कम्प्लीट, ठीक। तो मैं करेक्टर को देखिए अगर मूव करता हूँ तो उसके जो कलर है वो सब मूव करते जाते हैं, कॉस्मिक टाइप्स ऑफ इफेक्ट देना चाह रहे होते हैं, ठीक। तो RZ90 हम लोग चाह रहे हैं इस तरफ से हो, और रोटेट करके टेढ़ा कर देते हैं, और जो सॉलिड में चल जाते हैं वापस, और शिफ्ट ए मैश क्यूब SY20 कर देता हूँ मैं से, ठीक, और जो क्यूब है अब उसका मटेरियल ले देते हैं शेड एडिटर में, ये मटेरियल से डिलीट कर दें प्रिंसिपल PSGF को, और शिफ्ट ए प्रिंसिपल वॉल्यूम जो है वो क्लिक कर दें उसके वॉल्यूम के साथ, और जो उसकी स्ट्रेंथ है डेंसिटी है 0.1 कर दें,
वर्क करें, और जो हमारी लाइट है उसे हम लोग स्पॉट में कन्वर्ट कर देते हैं। एक मैं रेंडर व्यू में क्लिक कर देता हूँ, तो उसका जो साइज है वो तकरीबन 30 तक ठीक रहेगा। स्ट्रेंथ उसकी इतनी ही ठीक है, और उसे मूव करके थोड़ा करीब ले आते हैं। ठीक, इस तरह कर दें ताकि वो वॉल्यूम को जरा शो कर सके। जो कैमरा है उसे सेलेक्ट करें, कैमरा की रोटेशन 90, एक्स के ऊपर जेड के ऊपर 0, और लोकेशन अभी के लिए सारी 0 करें। जेड के ऊपर थोड़ा सा से ऊपर मूव कर देते हैं। ठीक, और वाई के ऊपर था पीछे। विंग्स को सेलेक्ट करें और जी दबा के पीछे यहाँ पे ले जाएं। ठीक, और इसे हम थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं सॉलिड मोड के ऊपर, और विंग्स को सिलेक्ट किए हुए उसकी जो लोकेशन है उसके ऊपर आई दबाएं, तो एक ही फ्रेम सेट हो जाएगा। ठीक, और टोटल एनिमेशन में चाह रहा हूँ 120 फ्रेम्स की हो, तो फ्रेम 120 के ऊपर फिर ले आए। ठीक है, और फिर से जी से दबा के तकरीबन यहाँ तक ले आए, लाइट के अंदर अंदर, रेड लाइट की रेंज के अंदर अंदर आते हुए, और फिर से आई दबा दें। ठीक, अब जब मैं इसे प्ले करता हूँ, आप देख सकते हैं काफी स्लो है क्योंकि व्यू पॉइंट के ऊपर काफी जोर पड़ रहा है, लेकिन आपको आइडिया तो बेसिकली हो ही गया होगा। तो उम्मीद है सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं, तो अल्लाह हाफिज।